काफ़ी इम्पॉर्टेंट स्टोरी पर बनाई गई है. सो एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया आई विल रिक्वेस्ट प्लीज़ वॉच दिस फिल्म. बहुत ज़रूरी है, हमें थोड़ा सा अवेयर होने की बहुत ज़रूरी है. सो आई एंड वी हैव वर्क रियली हार्ड ऑन दिस फिल्म लाइक एवरीबडी डज. बट सो उस साइड से भी बोल रही हूँ कि एज इट्स माई डेब्यू फिल्म, प्लीज़ डू वॉच. बट अदरवाइज एज अ सिटीजन आई एम सेइंग प्लीज़ डू वॉच, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टोरी दैट नीड्स टू बी टोल्ड. एक प्रोस्टिट्यूट की कहानी है, इस इट्स बेस्ड इन दैट वर्ल्ड. तो वो लोग इसी तरीके की बात करेंगे, आई मीन और तो क्या बात कर सकते हैं. सत्संग तो करेंगे नहीं, यू नो, ना बैठ कर कहें. इट्स नॉट लाइक दे गोइंग टू डिस्कस अ कुकरी शो और समथिंग लाइक दैट और पॉलिटिक्स. इन्हीं लोगों की कहानी है, तो वहाँ पर इसी तरह बात होती है, तो इसी तरह बात करेंगे. मैं रोल्स प्ले कर चुका हूँ, पर इस फिल्म में पिम का रोल प्ले कर रहा हूँ, विच इज़ वेरी डिफरेंट. पर मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर का जो एस्पेक्ट्स हैं, वैसे मुझ में और चिन्ना में कुछ कॉमनैलिटी है नहीं, पर फिर भी मुझे ऐसा लगा कि ये कैरेक्टर मैं सही तरह से समझता हूँ, मैं इसको सही तरह से प्ले कर सकता हूँ, इसलिए मैंने चिन्ना का रोल प्ले किया. इस लड़की की जो ओरिजिनल स्टोरी है वो इतनी करेजियस है कि मुझे ऐसा लगा इसको सेंट्रल स्टोरी रखते हुए मैं लक्ष्मी का कहानी बनाऊँगा और उस तरह से ये फिल्म बनाऊँगा. बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, एक नगेश को क्या चाहिए हमको मालूम है, और हम मैं 13 फिल्म कर चुकी हूँ मगर हमारी बाकी जो टीम है वो भी उतने ही कर चुकी है. तो नगे जब स्क्रिप्ट लिखते हैं बिनो एग्जैक्टली कि उन्होंने कैसा उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको क्या हमको दिखाना चाहिए, क्या हम उनके साथ करना चाहिए, और एक क्रिएटिविटी की पूरी जो एकदम एंड तक ले जाते हैं नगेश, वो हमारे साथ बहुत अच्छी है, तो बहुत मज़ा आता है उनके साथ. और ये पहली बार ऐसा है जो इतना डर्टी रोल और इतना नेगेटिव रोल और थोड़ा सा मतलब जो मेरी इमेज के एकदम अलग है, मतलब है ना, तो ऑडियंस मुझसे एक्सपेक्ट करती है. पर शायद एक्टर के लिए ये भी ज़रूरी है कि थोड़ी सी इमेज कभी कभार अपनी तोड़े वो. तो जब ये मौका मिला तो मुझे लगा कि नागेश चाहता था कि मैं नेगेटिव रोल ही करूँ, पॉजिटिव रोल ना करूँ, क्योंकि वो चाहता था कि कुछ मेरे लिए एज एन एक्टर शॉकिंग परफॉर्मेंस मिले.